तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है रीवा से, जहां नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में रीवा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीती रात राजधानी भोपाल से रीवा लाई गई नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 10 लाख कीमती 150 पेटी नशीले कफ सिरप सहित वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह कार्रवाई डीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में की गई है और जब्त माल सहित आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। कार्रवाई को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर शहर में नशे की खेप लेकर आ रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसमें तकरीबन 25 पेटी नशीली सिरप लोड थी। पुलिस ने मौके पर ही वाहन चालक से पूछताछ करने के उपरांत बिना समय गवाए चालक की निशानदेही पर ढेकहावार करहिया स्थित दो अलग अलग ठिकानों में दबिश दी, जहां डंप की गई तकरीबन 150 पेटियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहन चालक से पूछताछ की गई है, जिस दौरान शहर के कई तस्करों के नाम सामने आए हैं। पुलिस की माने तो यह खेप कई तस्करों ने मिलकर भोपाल से मंगाई थी, जिसे दो अलग अलग जगहों पर डंप किया गया था। फिलहाल पुलिस तस्करों के संबंध में जानकारी जुटाते हुए उनकी तलाश में जुट गई है। बता दें कि नशे के विरुद्ध की गई यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आमिर खान व एएसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर की गई है, जिसमें डीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी गौरव मिश्रा, सिविल लाइन व सिटी कोतवाली पुलिस सहित विशेष दल व एएसपी की टीम भी शामिल रही है।